आईपीएल 2018 सीएसके टीम में हुआ मतभेद, धोनी की मुश्किलें बढ़ी, टीम जीत नहीं पाएंगी आईपीएल। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? अभी आप आईपीएल का मजा ले रहे हैं। आईपीएल शुरू होते ही पूरे घर में जैसे त्योहार सा आ जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में देखो, आईपीएल ही बातें हो रही है और आईपीएल ही लोग देख रहे हैं। आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है जिसे हर कोई चाहता है। आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को भी अपना हुनर दिखने का मौका दिया जाता है। अभी तो आधा सफर पूरा होने को आए हैं और इस आधे सफर में सबसे आगे चेन्नई सुपर किंग टीम नजर आ रही है, जो फाइनल तक पहुंच सकती है। चेन्नई सुपर किंग की डोर उसके कप्तान धोनी के हाथ में है। धोनी अपनी टीम को फाइनल में तक पहुंचाने के लिए अपनी टीम कुछ बदलाव किया है। धोनी ने धाकड़ खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर लिया है। धोनी की टीम का एक विदेशी खिलाड़ी जिनको धोनी बहुत चाहते हैं, उसने टीम में खेलने से मना कर दिया और अपनी नाराजगी जताई थी। तो फिर चलिए जानते हैं वो खिलाड़ी कौन था। टीम में हुई इस मतभेद से पूरी टीम की चिंता बढ़ गई है और कप्तान धोनी भी मुश्किल में पड़ गए। आखिर ऐसा ही चलता रहा तो सीएसके की टीम इस बार का आईपीएल भी जीत नहीं पाएंगी। वैसे तो चसक की टीम पूरी फॉर्म में है, लेकिन इस तरह के मतभेदों से टीम पूरी ताकत से खेल न ही पाती और हार जाती है। इस वजह से धोनी भी परेशान है। चेन्नई का मुकाबला कोलकाता के साथ हुआ था, लेकिन चेन्नई यह मैच हार गई थी, वो भी जीत के इतनी करीब आकर हार का सामना करना पड़ा था। जब चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी की बारी आई तो मैदान पर बहुत ही ड्रामा हुआ था। सीएसके का स्कोर अच्छा चल रहा था, 15वें ओवर में अंबाड़ी रायुडू आउट हुए तो जडेजा को भेजा गया था। उसके बाद भी अच्छा रन रेट चल रहा था, स्ट्राइक रेट धोनी के पास थी, धोनी अच्छा खेल रहे थे। 17 ओवर के बाद स्कोर 146 था और धोनी 17वें ओवर के आखिरी गेंद में छक्का मार दिया था और वापस छक्का लगा दिया और ऐसे कुल 15 रन बना लिए थे। आखिरी 3 ओवर में शायद 50 रन बनाने की कोशिश थी, लेकिन 18वें ओवर में धोनी को बहुत ही कम स्ट्राइक मिली थी और जडेजा को डॉट बॉल खेलते रहे थे। फिर एक बार धोनी को स्ट्राइक मिल तो उन्होंने 2 छक्के लगाकर 12 रन बना दिए थे। अब आए 18वें ओवर में जडेजा सुनील नारायण की एक भी बॉल में रन नहीं बना पाए और धोनी को स्ट्राइक भी नहीं दे पाए थे। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बना पाए और धोनी के हाथ में स्ट्राइक आए तो उन्होंने सिंगल रन ही लेना पसंद किया था। धोनी जानते थे कि आखिरी ओवर में जडेजा को स्ट्राइक देना खतरे से खाली नहीं होगा। अब तो एक ही ओवर धोनी के पास बचा था। 19वें ओवर में 16 सेकंड 20 रन बनाने थे, लेकिन सिर्फ 4 रन ही मिला। आखिरी ओवर में जडेजा ने चौका जरूर लगाया था, लेकिन वो फिर आउट हो गए थे। ये देखकर ब्रावो की नाराजगी साफ दिख रही थी। उनसे पहले जडेजा को बैटिंग के लिए भेजने के साफ खिलाफ थे। जडेजा मैच में कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए ज्यादा नाराज हो गए थे। जैसे ही जडेजा आउट हुए तो मैदान पर ब्रावो को आना था, लेकिन ब्रावो ने मना कर दिया था। उन्होंने पैड भी खोलकर फेंक दिए थे। ब्रावो के साथ सभी फैंस जानते थे कि जडेजा ने धोनी को स्ट्राइक दिया होता स्को कुछ ज्यादा ही बनता था। ब्रावो की जगह पर कर्ण शर्मा को भेजा गया था, जो कि वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे। इस का फायदा सामने वाली टीम को मिला और वो मैच आसानी से जीत गए थे। आपके हिसाब से क्या ब्रावो का गुस्सा करना ठीक था? आप अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसी ही चटपटी और ब्रेकिंग न्यूज़ को रोजाना सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए येलो कलर के फॉलो बटन पर क्लिक करें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसे लाइक करना ना भूलें।